लिखवाने लगे और बोले भैया सभी अपनी अपनी पट्टी अपने हाथ में पकड़ लो और इमला लिखो। तो प्रहलाद इमला लिखवाने लगे हैं सभी को, पट्टी सब हाथ रखियो अपनी संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे नाम को संभाल के। आज भक्तो दिखाना मुझे, अरे प्रहलाद कहो मासव ये तूने लिखवाया है। हाँ मासव मने लिखवा हुए, और इस पर लिखा हुआ क्या है? कहा देखो मासव ओला मने किए बाप पे आना है लिखो, जब तो राम राम को नाम लिखो है, राम नाम को नाम लिखो है। हाँ ये कौन है राम राम? मासा हमें ना मालूम, जा देखो जाए पूछ लियो। क्यों लड़के तूने लिखा है या इसने बोला था? अच्छा प्रहलाद ने बोला है, और प्रहलाद मना कर रहा है कि हमने नहीं बोला है। गुरु संडा मार्ग कहने लगे बेटा प्रहलाद। हाँ मासा, ये तुमने राम राम का नाम क्यों लिखवाया है? मासा हाँ हमने सही लिखवा हुए को। क्यों? जे राम को नाम है जे भगवान है जो हमने लिखवाए दो भगवान। हाँ अरे पापी तुझे यही नहीं मालूम है कि भगवान है कौन है? ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु? हाँ काई मासाव। हाँ ये है ना, इन्हीं ने तुम्हारे चाचा का वध किया था, और तुम्हारे पिता इनसे जलन मानते हैं, और तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो। अगर उन्हें मालूम पड़ जाएगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आज तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन कल से ऐसी हरकतबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रहलाद? ठीक है महाराज। तो आज मेरे भागवत प्रेमियों, दूसरा दिन हुआ, बेटा प्रहलाद फिर स्कूल में पढ़ने के लिए आए, तो गुरु संडा मार्ग ने फिर जवाब दिया है बेटा प्रहलाद आज तुम ऐसा करो इन सबको पहाड़े लिखवा दो। तो बेटा प्रहलाद सबको पहाड़े लिखवाने लगे हैं, और क्या बोले हैं बेटा प्रहलाद?
जैसे ही कयादू ने जहर का प्याला दिया, बेटा प्रहलाद कहने लगे, मैया इसमें मुझे कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है। कयादू बोली, बेटा तेरा काल है, मान जा बेटा, तुझे अपने प्राण खोने पड़ेंगे, पुत्र मान जा। प्रहलाद ने कह दिया, मैया भगवान के नाम के लिए अगर मुझे प्राण भी देने पड़े, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और बेटा प्रहलाद ने जैसे ही प्याला हाथ में लिया है, पीने को चले हैं, तो रानी कयादू ने हाथ पकड़ लिया और बोली है, पुत्र अगर तुम जहर पियोगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। और रानी कयादू रो करके बोली है, बेटा ऐसे न कहियो, कले जो फटो जाए लाला, ऐसे न कहिए, मर मान जाओ।